गुड इवनिंग बच्चों। लास्ट क्लास में अपन लोगों ने वैल्यूएशन, आईटीसी, आरसीएम और थोड़े बहुत एग्जम्पशन के बीच बीच में मिक्स क्वेश्चन आते थे, वो क्वेश्चन अपन कर रहे थे। तो आइए आज अपन और थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस करते हैं। मैंने ये पेपर ओपन किया है तुम्हारा, सीए इंटर जुलाई 21, और सीए इंटर जुलाई 21 का ये पेपर है। आपको पता है कि सीए के अंदर हमेशा फर्स्ट क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ना, कौन सा? कि जैसे मान लो एक अपना इनपुट है और एक अपना आउटपुट है, सीजीएसटी आईजीएसटी 15,000, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और यहां पे आपका आउटपुट आईजीएसटी मान लो 3,000 है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, है ना। मान लो ये तुम्हारा 12,000 है और ये तुम्हारा 6,000 है, और इधर मेरे पास मान लो ये जो सीजीएसटी बचा हुआ है, मान लो ये 16,000 रुपये है और ये मान लो मेरे पास 3,000 रुपये है, ये मेरे पास 3,000 है, ये ऐसे मानो कि ये मेरे पास 36,000 रुपये है। तो वैसे तो अपन को तीन टेबल निकालनी होती है एग्जाम में, एक आउटपुट की, एक इनपुट की और एक नेट की। कई बार क्वेश्चन आपको ये निकाल के दे देता है। अब बताओ उस केस में जो तीसरी टेबल आप बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो बताओ आउटपुट कितना है? आउटपुट सर ये 12,000 है, ये 6,000 रुपये है और ये 3,000 रुपये है। तो बताओ सबसे पहले हम आईजीएसटी को एडजस्ट करते हैं, आईजीएसटी 15,000 रुपये है, तो अब बताओ कितना बचा? 12, 6 और 12,000 बचा। बताओ क्या हम पहले सीजीएसटी जीएसटी माइनस करेंगे, पहले आईजीएसटी को माइनस करना होता है? जल्दी से बताओ। अब हमको आईजीएसटी को खत्म करना है किसी भी मैनर में, किसी भी रेशो में, जब तक आईजीएसटी जीरो नहीं होगी, बताओ सीजीएसटी एचजीएसटी एडजस्ट नहीं होंगे। आप चाहो तो पूरे 12,000 को सीजीएसटी से एडजस्ट कर लो, एचजीएसटी से कर लो, आधा आधा कर लो, कैसे भी कर लो, बट आपको उसको खत्म करना है। तो बच्चों मान लो एक बच्चे ने क्या किया, पूरा का पूरा 12,000 इससे कर दिया, तो ऐसा होने से बताओ क्या हो गया पोजीशन? ये जीरो, ये जीरो, ये 6 बच गया। और अब हमको, हमारे पास एसजीएसटी कितना बचा? 3,000 बचा। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? एसजीएसटी 3,000 बचा और हमारे पास सीजीएसटी 36,000 की आईजीएसटी पड़ी हुई है, तो इसका मतलब 36,000 का तो सरकार से रिफंड लेना है और 3,000 पे करना है। बच्चों जहां तक है ये गलत हो रहा है, बोलो बच्चों। जब तुम्हारे पास इतनी सारी आईटीसी पड़ी है, तुम्हारा पेबल आना ही नहीं चाहिए, बोलो बच्चों। तो आपने कहीं गलती कर दी एडजस्टमेंट में, बात समझ में आ रही है मेरी? नेट में तो 33,000 सही है, लेकिन इसका मतलब है 3,000 जमा कराना पड़ेगा और इसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा अगले पुट अगले महीने के आउटपुट के लिए। बोलो बेटर बेटर तरीका क्या होता? सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये जो तुम्हारी वैल्यू आ रही थी 12,000, 6,000 और 12,000, तो हमको साफ साफ पता चल रहा है कि यहां पे तो हमारे पास बहुत सारी क्या पड़ी हुई है, बहुत सारी क्या पड़ी हुई है आईटीसी, और यहां हमको पे करना है। तो हमको बताओ पहले किससे एडजस्ट करना चाहिए था? एसजीएसटी से। तो अगर हम आईजीएसटी को पहले एसजीएसटी से कर लेते, तो बताओ बच्चों ये जीरो हो जाता, बोलो बोलो, और बचा हुआ 12 हम इससे कर लेते, बोलो, बात समझ में आ रही है? ऐसा होने से बताओ ये जीरो, ये जीरो, और ये हमको 6,000 पे करना है गवर्नमेंट को। अब हमारे पास सीजीएसटी कितना पड़ा हुआ है? 36,
ये हमारे पास पूरा, अब ये कितना पड़ा हुआ है अब हमारे पास, है ना, ये कितना पड़ा हुआ बच्चों, 3,000 और ये 0। अब ऐसा करने में ये भी हमको सरकार से लेना है और ये भी सरकार से लेना है, बोलो बच्चों। तो आंसर यहां भी 33 आ रहा था और यहां भी 33 आ रहा है, बट यहां पे हमको किसी प्रकार का कोई टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। तो बताओ कौन सा वाला आंसर बेटर है, बताओ ये वाला या सेकंड वाला। सेकंड वाला, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई क्या बात समझ में? तो अब आज के जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन मैं आपको नहीं समझा रहा, बस मैं तो आपको ये बता रहा हूं आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी, आउटपुट होगा नहीं होगा, समझ में आ गई बात? तो देखो अपन एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आराम से देखो क्वेश्चन को। एक्स एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरर है, इसने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए परचेज ऑफ एसी ऑफ कैपेसिटी 1.5 टन इन अक्टूबर, और मोर देन 50 यूनिट विल इंटाइटल देम फॉर 10% डिस्काउंट। बोलो अगर ये 50 यूनिट से ज्यादा का ऑर्डर करेगा तो कितना डिस्काउंट मिलेगा? इंटर स्टेट सप्लाई मेड, ये इसकी सेल आ गई। तो इस सेल से क्या हम आउटपुट निकाल सकते हैं, जल्दी बताओ, बोलो। अच्छा तो ये तो है इंटर स्टेट सप्लाई, तो इससे हम आउटपुट निकाल लेंगे आराम से, बोलो। और इंट्रा स्टेट सप्लाई, ये आपने इंट्रा बेचा है, बोलो बच्चों। तो बताओ इससे इससे भी आउटपुट आएगा नहीं आएगा, बोलो। और ये हमारी परचेज है, परचेज की हमको डिसाइड करना आईटीसी मिलेगी नहीं मिलेगी, बोलो। एक्स इलेक्ट्रॉनिक मेड सप्लाई ऑफ एयर कंडीशन कैपेसिटी 1.5 टन टू ओनली वन डीलर नेम मिस्टर एल। जिम मेंबरशिप फॉर एम्प्लॉयज नॉट ऑब्लिगेटरी, मतलब जिम देना किसी लॉ के तहत कंपलसरी नहीं था, बोलो। और आपके पास ओपनिंग आईटीसी का बैलेंस पड़ा हुआ है, आई के पास समझ में? तो आपको क्या बताना है, कितना पे करना है, मतलब ये आपसे टेबल थर्ड बनवाना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन में बताओ डायरेक्ट टेबल थर्ड बनेगी या 1-2 भी बनेगी? वन से आएगा आउटपुट, सेकंड से आएगा इनपुट, और तीसरे से आएगा नेट पेबल। इज इट क्लियर? अब सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला, बताओ कितने की सेल है? 50 लाख की। बताओ जीएसटी की रेट क्या है? 18%, बोलो। तो बताओ इंटर स्टेट सप्लाई 50 लाख की हुई ना। अब मुझे बताओ यहां पे क्या लिखा हुआ है, एक लाइन क्या लिखी हुई है, ये मैन्युफैक्चरर है ना? अरे ये मैन्युफैक्चरर है नहीं है, तो यहां क्या लिखा हुआ है, इट मेड कॉन्ट्रैक्ट विद डीलर्स। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है डीलर से, बोलो। अगर आप 50 यूनिट से ज्यादा खरीदोगे तो हम आपको क्या देंगे, 10% क्या देंगे? मुझे बताओ एक एसी की कीमत 50,000 रुपये दी है, दिख रहा है आपको? तो इसका मतलब 50 लाख की सेल हुई है। तो बताओ अब ये बोल रहा है, अब यहां पे देखो ये क्या बोल रहा है, ये एक डीलर की कंडीशन थी या दो डीलर की थी, बताओ। हर डीलर को क्या बोला था, अगर एक डीलर 50 से ज्यादा एसी लेगा तो बताओ उसको डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा, बताओ डिस्काउंट कब मिलेगा, बताओ। कोई भी डीलर अगर 50 क्वांटिटी से ज्यादा का ऑर्डर करेगा तो बताओ उसको 10% डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा? इस क्वेश्चन से पता चल रहा है एक एसी कितने का है, 50 का। अब उसने पूरे महीने में 50 लाख की सेल की है, बोलो। अब इस लाइन से नहीं पता चल रहा कि भैया एक डीलर को की है, बहुत सारे डीलर को की है, बोलो। लेकिन आप नीचे जब एक लाइन पढ़ोगे तो बताओ यहां क्या लिखा हुआ है, एक्स इलेक्ट्रॉनिक्स मेड सप्लाई ऑफ एयर कंडीशन टू ओनली वन डीलर, बोलो। इसका मतलब क्या हुआ,
ये जो 50 लाख का माल बेचा है वो बहुत सारे डीलर्स को बेचा है, एक ही डीलर को बेचा है, इसका मतलब और उसने 50 यूनिट से ज्यादा बेचा नहीं बेचा, तो बताओ क्या 10% डिस्काउंट मिलेगा नहीं मिलेगा? तो 50 लाख का 10% 45 लाख बच गया। अब 45 लाख का 18% लगा दो, बोलो बच्चों 45 लाख है ना यहां पे, तो 45 लाख का 18% कितना होगा? 1,10,000। अब एक सेकेंड, यहां पे इसने लिखा हुआ है क्या, इंटर स्टेट सप्लाई मेड 50 लाख की एक है और ये इंट्राइड है, बताओ ये तो अलग है बच्चों। अब एक बार अपन क्वेश्चन को देखते हैं, ये हमारी परचेज है नहीं है, बोलो। अब यहां पे हमारे को कंफ्यूजन ये हो गया कि हमको पहली लाइन क्लियर है क्या, जल्दी से बताओ, बोलो, कॉन्ट्रैक्ट की बात क्लियर है क्या, इंटर स्टेट सप्लाई मेड 50 लाख की क्लियर है, बोलो, और डिटेल ऑफ क्या क्या। तो अब हमको यहां क्या कुछ बता रखा है कि इसमें क्या क्या सामान बेचा, बोलो। इंट्रा का तो हमको ब्रेकअप ब्रेकअप दे रखा है, दिख रहा है ब्रेकअप, बताओ माइक्रोवन कितने का बेचा, 15 लाख पे लगाओ जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी 9% लगाओ 15 लाख का, 1 लाख क्या 1,35,000 आ गया, बोलो। अच्छा अब माइक्रोवन, अब बताओ सप्लाई ऑफ रेफ्रिजरेटर विद स्टेबलाइजर, और ये मिक्स सप्लाई है बोल रहा है, बताओ रेफ्रिजरेटर की रेट है 28% और स्टेबलाइजर की 18 है, तो जब ये कह रहा है कि ये मिक्स सप्लाई है तो बताओ क्या लगेगी, हाईएस्ट रेट लगेगी, 40 लाख का निकालो, 40 लाख का निकालो, जल्दी निकालो, कितना 1,00,000, आधा निकालो ना, आधा तो करूंगा ना सीजीएसटी एसजीएसटी, ये दोनों क्लियर है। अब आओ तीसरा, तीसरा एयर कंडीशन बेचा है, बोलो, सप्लाई ऑफ एयर कंडीशन ऑफ कैपेसिटी 1.5, ये इंट्रा है इंटर है, इसका मतलब ये वाली सेल अलग है, जल्दी से बताओ, और ये वाली सेल अलग है, बताओ सप्लाई ऑफ एसी ऑफ कैपेसिटी दिख रहा है ये। अब हमको 50 लाख ये और 50 लाख ये, तो बताओ 50 लाख की तो इंटर और 50 लाख की इंटर है नहीं है, तो अब एक बार हमको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, बताओ यहां क्या लिखा हुआ है कि ये एक्स इलेक्ट्रॉनिक है ना सप्लाई ऑफ एयर कंडीशनर केवल एक ही डीलर को बेचता है, कौन से को, एल को, बोलो। तो अब जल्दी से मुझे बताओ कितने में बेचा, 50 लाख, 50 लाख का डिस्काउंट बताओ, 5 लाख, तो 45 लाख पे सीजीएसटी या जीएसटी लगाओ, जल्दी से लगाओ, कितना आया नहीं आया, बोलो जल्दी से बताओ, बोलो यहां तक की बात क्लियर है नहीं है। तो सप्लाई ऑफ 150 लाख एयर कंडीशन सीन 100 एयर कंडीशन हैव बीन सप्लाई डिस्काउंट 10% विल बी लेवी, यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा अब सर हमको ये बात तो समझ में आ गई, अब हमको इंटर भी चाहिए, इंटर पे क्या लगेगा, इंटर पे क्या लगेगा, 18% लगेगा या नहीं लगेगा, बोलो बच्चों, अरे इंटर पे 18% लगेगा नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा इस क्वेश्चन को देखकर
ये सेल केवल एक ही डीलर को की है या बहुत सारे डीलर को की है? बोलो बोलो ना बच्चों, बताओ बच्चों। तो एक बार वापस पढ़ेगा लाइन, बोलो। तो इंटर स्टेट सप्लाई मेड ड्यूरिंग द, बच्चों एक चीज बताओ, क्या यहां एसी वेसी कुछ लिखा हुआ है क्या? कुछ लिखा हुआ है क्या? इसका मतलब ये सभी प्रोडक्ट की सप्लाई है, एसी की सप्लाई है? तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये 50 यूनिट की है? बोलो, नहीं समझ में आई बात? तो इसका मतलब इस पे कोई डिस्काउंट अप्लाई होगा? कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा। तो सीधा 50 लाख का क्या लगेगा? बोलो बच्चों, 50 लाख का 18% कितना होता है? 9 लाख। हो रहा है नहीं हो रहा है? मतलब आ गई बात समझ में? तो इससे मेरा आउटपुट निकल गया, इसका टोटल बताना जल्दी, 135, 560 और 45। तो 11 लाख आउटपुट, 11 लाख आउटपुट और 9 लाख आईजीएसटी। बोलो, अपन तो तीन अलग अलग टेबल बनाते हैं, ये एक ही टेबल में सब दिखा देता है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब जल्दी से बताओ परचेज, बताओ इन तीनों की आईटीसी मिलेगी तो ये कौन से कॉलम में आ जाएगा? सीजीएसटी में, ये एसजीएसटी में, और ये, और प्लस करंट में जो परचेज हुई है उसकी आईटीसी भी जोड़ देंगे इसमें। बोलो, अब मुझे बताओ बच्चों किस किस की आईटीसी मिलेगी, बताओ जल्दी से। क्या रॉ मेटेरियल की मिलेगी? मिलेगी। अब रॉ मेटेरियल कितना है? 20 लाख इसकी मिलेगी। क्या जिम की मिलेगी? कंपल्सरी होता तो मिल जाती। बोलो, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की नहीं मिलती, बट गुड्स की तो मिलती है ना, और सारे इंट्रा है, इंटर है, इंट्रा है ना। तो ये 20 लाख का 9% बोलो, और 30 लाख का 9% करें, बताओ 20 लाख का 9% देखो, 180 180। बोलो, इसकी नहीं मिली, और 30 का 270 270। बोलो, तो बताइए हमारे पास टोटल कितनी हो गई आईटीसी? 5 8 5 20 और 10 लाख। आई क्या बात समझ में? तो अब बताओ, अगर मैं डेटा समराइज करना चाहूं तो मेरे पास जब टीसी टेबल में बनाना चाहूं, एक टेबल कौन सी होती है? सीजीएसटी। एक कौन सी होती है? एसजीएसटी। और एक कौन सी होती है? आईजीएसटी। सबसे पहले बताओ आउटपुट कितना आ रहा है? आउटपुट अभी मैंने आपको आउटपुट बता दिया ना, कितना आ रहा है? 11 11 9। बोलो, 11 लाख 11 लाख और कितना? अब मुझे बताओ आईटीसी कितनी आ रही है? पहले किसको खत्म करोगे? आईजीएसटी कितनी है जल्दी से बताओ? 10 लाख है। तो बताओ लेस आईजीएसटी, बोलो बोलो बच्चों, ये कितना रह गया? 11। ये भी 11 था क्या बच्चों? yes. और ये माइनस का 1 लाख हो गया। बोलो, अब मुझे जल्दी से बताओ, हमारी ये 5 8 और ये 5 20 है। बोलो, अब मुझे आप बताओ, इधर लिख लेते हैं साइड में, सीजीएसटी कितना है इनपुट? 5 8 और एसजीएसटी कितना है? 8 लाख 20 हजार। अब क्वेश्चन उठता है कि पहले 1 लाख किससे एडजस्ट करें? बोलो, अब यहां पे तो दोनों ही बराबर है। बोलो, अब बताओ पहले किससे करें? अब बताओ, सोच के बताओ, एक बार सोचते हैं। ये 11 लाख है और ये 5 लाख 8 हजार है, तो 11 लाख में से 5 8 लेस करो ना, मतलब 592 हमको पे करना है। बोलो, या नहीं करना है? ये 11 लाख और ये 5 20 है, करना लेस? मतलब दोनों केस में पे करना है ना।
तो फिर बताओ मेरे हिसाब से किसी से भी कर लो आंसर क्या आएगा, बोलो सेम आएगा, समझ रहे हो क्या मेरी बात को? तो अपन किससे कर ले, इससे कर ले क्या? बोलो तुम जो कहो उससे कर लो, बोलो सीजीएसटी। ये 1,00,000 कर लिया, तो ये 1,00,000 कर लिया, तो बताओ ये कितना रह गया, 10,00,000, ये 11,00,000 और ये 0 हो गया। अब 592 से एडजस्ट कर लेंगे और 5,80,000 इससे एडजस्ट कर लेंगे। अब बताओ कितना कितना पे करना है, ये कितना पे करना है, हाँ 5,08,000, कितना बचा, कितना, और वो 5,20 था, कितना, हाँ तो 5,80 और 4,92 पे करना टोटल लगाना, अब आंसर यही आ रहा होगा, देखो 492 और 580 टोटल लगा लो, आगे क्या समझ में बच्चों क्वेश्चन कैसे करना है? तो ये कौन से टाइम का क्वेश्चन था, जनवरी जुलाई 21 कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन प्योरली आया आईटीसी का, अब आपको बताना है कि किसकी आईटीसी मिलेगी और किसकी नहीं मिलेगी, बताओ बच्चों। पहला मतलब अपन ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवाया, कैपिटल खर्चा है, बताओ मिलेगी नहीं मिलेगी? अरे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की मिलती है क्या? नहीं मिलेगी। बताओ गुड्स गिवन एज ए फ्री सैंपल टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, अपन ने फ्री सैंपल में किसी को दिया है तो क्या अपन को कोई आउटपुट की कमाई होगी? और ये शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई भी नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगी। आपको पता है वो सेक्शन 17(5) में साफ साफ बना कर रखा था, फ्री स्टोलन डिस्ट्रॉय ट्रक यूज फॉर ट्रांसपोर्ट इनपुट, ये मिल जाएगी। ट्रायल रन, ट्रायल रन इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग, बोलो मिल जाएगी। खाने पीने का आइटम फैक्ट्री में, और यहां पे लिखा हुआ भी नहीं कि कंपलसरी है, नहीं मिलेगी। प्लांट एंड मशीनरी के स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए, तो 3 का टोटल लगा लो, इनके वर्किंग नोट भी लिखने पड़ेंगे आपको, समझ गए? बोलो बच्चों आ गई बात समझ में? ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी कंपोजिट मिक्स सप्लाई का बता दिया था, डबल बेड रेफ्रिजरेटर वॉशिंग मशीन मिक्स सप्लाई है, कंपोजिट सप्लाई है, सप्लाई चैप्टर में बोलो मिक्स सप्लाई है, तो ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एग्रीगेट टर्नओवर में डिस्कस कर लिया, ठीक है। ये एग्जम्पशन चैप्टर क्वेश्चन है, तो चलिए बच्चों ये पेपर में बाकी तो थ्योरिटिकल चैप्टर्स है। अब आइए जुलाई 21 के बाद फिर अपन एक पेपर और करते हैं, जुलाई 21 दिसंबर 21 देखे, एक चलो आज की तारीख का देखना, जुलाई 21 ये आपका वही दिसंबर 21 ये एंटर, बताओ बच्चों पहला क्वेश्चन पढ़ो स्टार्टिंग। ये इसका ऑलरेडी आउटपुट माइनस इनपुट करके वैल्यू निकाली हुई है, बोलो
मतलब आपकी टेबल वन की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के दी हुई है इसने, बोलो ये ओपनिंग बैलेंस नहीं है, ये आउटपुट नेट जीएसटी लाइबिलिटी है, बोलो। उसके अलावा ड्यूरिंग द अबव मंथ द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन हो रहे। अब आपको ये बताना है कि इनका और ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है ना, इसका मतलब तो यही हुआ। अब जल्दी से बताओ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, पहला पढ़ो क्या है, ये कंपनी की सेल है या प्रॉफिट है या खर्चा है। हाँ, कंपनी की ये सेल है क्या है, बताओ, ये कंपनी की इनकम है या एक्सपेंडिचर है। इनकम है, बोलो। अगला, ये इसने बताओ इंटरेस्ट चार्ज किया है, ये लोन और एडवांस का इंटरेस्ट है या सप्लाई से संबंधित है, ये भी इनकम है, बोलो। ये क्या है, इसने लीगल सर्विस ली है कंपनी ने, बोलो। इसके एक एडजस्टमेंट होंगे, दो होंगे, बताओ दो कौन से होंगे, एक तो आईटीसी भी लेगा और पे भी करेगा। आ रही है धीरे धीरे बातें समझ में। अब ये बताओ ये क्या है, ये कंपनी की इनकम है खर्चा है, और इसके अंदर एक्सपेंस है, और वो गुड्स आपके किस में आए, लॉट्स में आए, वो किस, लास्ट वाला, कंपनी की सेल है इनकम है, इनकम है, बोलो बच्चों। तो सबसे पहले तो क्या आ गया, 3,250,000, 3,00,000, क्लियर है, बोलो यहां तक की बात क्लियर है। अब इधर आओ, अब ड्यूरिंग द मंथ कंपनी ने 5 ट्रक किराए पे दिए जीटीए को, बोलो। आपको ध्यान है एग्जेम्पशन चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अगर आप गवर्नमेंट को बस देते हो, इलेक्ट्रॉनिक बस लोकल अथॉरिटी को देते हो, या एक आदमी को बस देते हो जो स्कूल में चलाएगा, और अगर आप जीटीए को किराए पे ट्रक देते हो तो एग्जेम्प्ट होता है सर्विस, बोलो ध्यान है क्या। अरे एग्जेम्पशन चैप्टर में 4 पॉइंट है, अगर आपको ध्यान हो क्या क्या 4 थे, अगर हम स्टेट अंडरटेकिंग को 12% से ज्यादा की बस देते तो वो एग्जेम्प्ट होता है, ध्यान है आपको। लोकल अथॉरिटी को इलेक्ट्रॉनिक बस किराए पे देते एग्जेम्प्ट होता है। हम किसी को स्कूल वाले को, हम ऐसे आदमी को बस किराए पे देते जो स्कूल में चलाएगा, अगर हम जीटीए को ट्रक किराए पे देते तो बताओ वो सर्विस एग्जेम्प्ट होती नहीं होती, तो बताओ इसका मतलब आउटपुट आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। देखो बच्चों आंसर, बोलो आ रहा है नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। आई बात समझ में। अच्छा अब तो पहला पॉइंट सबको क्लियर है, अब दूसरा बताओ इसने माल कब बेचा था, 6 जनवरी को, 2% पर मंथ विल बी चार्ज ऑन इनवॉइस, अगर उसने पेमेंट कब तक नहीं किया, 30 दिन में, बोलो कितने दिन में पेमेंट नहीं किया। गुड्स वर डिलीवर एंड ऑल्सो द इनवॉइस एज 6 जनवरी, और बताओ उसने पेमेंट कब किया, टाइमली या लेट, कितना लेट, 15 दिन, अरे 6 जनवरी तक करना था ना, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बोलो
और पेमेंट कब हुआ है? 20 को है ना, बोलो। अकाउंटिंग कैसे करेंगे? कब माल बेचा? 6 जनवरी को बेचा, और उसने पेड़ कब किया? तो बच्चों अपन देखो, इसमें हो सकता है आंसर कुछ दे रखा हो, लेकिन हाँ, अब जनवरी 31 दिन का होता है, बोलो। तो एक सेकेंड, तो अपन कभी 6 वर्ष जिस दिन हम माल देते हैं उस दिन इनवॉइस, उस दिन का ब्याज नहीं लेते हैं। तो 31 में से 6 घटाओ, 25, और जिस दिन उसने पेमेंट किया उसको लेते हैं। तो 25 और 20, 45। इंटरेस्ट कब से लगेगा? 30 दिन के बाद से। 15 दिन के उधार दिए ना, बताओ 15 दिन का ब्याज लगेगा, समझ मेरी बात। तो अब बताओ 5 लाख है, ये 5 लाख क्या है? जीएसटी है। 5 लाख क्या बोल रहा है? वैल्यू ना, वैल्यू बोलो। अब 5 लाख का 2% लगाओ, 5 लाख का 2% लगाओ, 5 लाख का 2% कितना आया? अब ये क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? इनवॉइस वैल्यू पे, बोलो। अरे इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा? इनवॉइस वैल्यू, और इनवॉइस 5 लाख प्लस उसपे जीएसटी भी तो होगा। अच्छा तो 5.90 आने चाहिए थे ना 30 दिन में। 5.90 का 2% × 15/30 करो, 5,900 ये आ गया तुम्हारा, कितना? 5,900 आ गया, बोलो। अब 5,900 रेट क्या है जीएसटी की? भैया अपन तो 5,900 इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना, अरे 5,900 इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ना, और 5,900 × 18/118 करना एक बार, क्योंकि मैंने बताया था इंटरेस्ट और पेनल्टी को हमेशा क्या मानेंगे? एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव? इंक्लूसिव, क्योंकि सामने वाले से उम्मीद नहीं कर सकते कि ब्याज के साथ आपको जीएसटी भी दे दे, बोलो। तो 5,900 तो ब्याज है, अपन ब्याज निकाल रहे हैं या फिर जीएसटी का अमाउंट निकाल रहे हैं? तो 5,918/118 बताओ, 900 रुपए आएगा नहीं आएगा, जल्दी बताओ। आगे क्या बात समझ में? इससे मेरा टोटल आउटपुट आ गया, बोलो बोलो, ये आ गया। तो चलो मेरे कौन कौन से पॉइंट हो गए, बोलो। पहला हो गया, दूसरा हो गया, बोलो। अब 1.5 लाख हम कहां के हैं? गुजरात के। और सर्विस कहां से ली है? गुजरात में ही। अब रेट क्या है जीएसटी की? 18%। 1.5 लाख 18 बताओ, कितना? आधा आधा करो, आधा आधा। तो इसकी आईटी, एक तो हमको आईटीसी भी मिलेगी, बोलो, और नीचे पेबल में भी आएगा, देखो 13,500 ऐड भी हो रखा है, बोलो। नहीं दिख रहा क्या? ये लेस भी हो रहा है और ऐड भी हो रहा है, कल भी तो बताया था ये बात। अब बताओ बच्चों आगे, अब आपने 3,000 पैकेट का ऑर्डर किया, इनवॉइस आपको एक साथ मिल गई फरवरी में, लेकिन लास्ट ऑर्डर अप्रैल में मिलेगा, तो हम लाइबिलिटी कब की निकाल रहे हैं? फरवरी की। तो बताओ आईटीसी अभी बुक करेंगे या अप्रैल में बुक करेंगे? तो अपन तो लाइबिलिटी कब की निकाल रहे हैं? फरवरी की। तो बताओ आईटीसी लेंगे नहीं लेंगे? नहीं लेंगे। आई के बात समझ में? अब ये बताओ, ये वाला बताओ, ये प्री डिस्काउंट है, पोस्ट डिस्काउंट है?
अच्छा पोर्ट डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है लेकिन वो प्री एग्रीमेंट होना चाहिए, बोलो, या किसी प्रकार का कोई प्री एग्रीमेंट है, कंपनी ने ऐसे दे दिया रिवैल्यूड कम के, बोलो। बोलो तो इसका कोई एडजस्टमेंट की क्या जरूरत है या नहीं है? जरूरत नहीं है। बोलो बच्चों बात समझ आई नहीं आई? अब देखो तो क्या लिखा हुआ है, देखो इसके लिए क्या लिखा हुआ है, जब अपन ने सप्लाई की थी उस समय क्या हमको डिस्काउंट नोन था अननोन था? तो बताओ जब अननोन है तो फिर वैल्यू मुझे एक्सक्लूड करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। बोलो बच्चों समझ में आ गया नहीं आ गया? बोलो। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको सारे प्रैक्टिकल चैप्टर्स जो होते हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए। बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है क्या? इसमें बताओ एग्जम्पशन चैप्टर भी लगा दिया, बोलो, एग्जम्पशन आरसीएम भी लगा दिया, बोलो, आईटीसी भी लगा दिया, बोलो, और वैल्यूशन के अंदर वैल्यूशन चैप्टर भी लगा दिया, बोलो, और आपसे पेमेंट और जीएसटी भी लगवा दिया। आ रही बात समझ में? और कायदे की बात बताओ, क्या प्रैक्टिकल लाइफ में व्यापारी के साथ हर महीने ये नहीं होता होगा? होता होगा नहीं होता होगा? तो आपको बच्चों प्रैक्टिकली चलना है। जो मैंने कल लास्ट क्लास ली थी, मैंने लास्ट में वो बातें बताई थी ना आपको, बस उस चीज को ध्यान रखना। इज इट क्लियर? कल इन्हीं चैप्टर्स के अपन और क्वेश्चन करेंगे, समझ गए, दो पेपर और सॉल्व करेंगे, समझ में आ गई बात? और फिर अपन या तो एग्जम्पशन या थ्योरी, आई बात समझ में? बट पहले मैं थ्योरी वाले चैप्टर डिस्कस करूंगा। क्लियर है मेरी बात? आप एग्जम्पशन धीरे धीरे पढ़ना चालू कर दो, ओके? और मैं क्लास से पहले डेली दो एग्जम्पशन आपको रिवाइज कराऊंगा कल से। केवल दो एग्जम्पशन बोलूंगा लेकिन करेंगे प्रैक्टिकल और थ्योरी के क्वेश्चन। फिर जब थ्योरी वाले चैप्टर्स हो जाएंगे फिर अपन एग्जम्पशन के क्वेश्चन करेंगे। क्लियर बात? तो कल आप चैरिटेबल और रिलीजियस सर्विस पढ़ के रखना। कौन सी सर्विस? और रिलीजियस। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।